क्या तुम्हें पता है बोर्ड ऑफ द वॉर्टेक्स मांगा चैप्टर 7 के शुरुआत में हम मिस्की का एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं जहां वो कह रहा है कि वो मून है जो डार्कनेस में राइज होता है और वो खुद से लाइट इमिट नहीं कर सकता जिसके वजह से ही नीड्स द सन जो मिस्की के अकॉर्डिंग का वाकी है। और इसी के अगले पेज में हम मिस्की को बोर्डो की तरफ चार्ज करता देखते हैं एज वी हैव सीन इन द लास्ट चैप्टर। यहां बोर्डो हमारा मिस्की को उसकी तरफ आता देख शुरिकेन फेंकता है जिसे मिस्की बहुत आसानी से डॉच कर बोर्डो पे बड़े बड़े सांपों से अटैक करता है। बोर्डो यही फ्लाइंग राइजिन का यूज कर मिस्की के पीछे एक ट्री पे टेलीपोर्ट करता है और बोर्डो हमारा बोलता है कवाकी को क्या हुआ, मुझे लगा बस वही मेरे पीछे पड़ा है। मिस्की इसी का रिप्लाई देते हुए बोलता है ये चीजें अब मैटर नहीं करता क्योंकि करंटली मैं तुम्हारा ओपोनेंट हूँ। वहीं शिकामारु इनो का माइंड सेंसरी जुत्सु का यूज कर बोर्डो को बोलता है कि कवाकी सो रहा है, मिस्की ने उसे अपने एक स्नेक से पॉइजन कर दिया जिससे वो तुम्हें ट्रैक न कर पाए और मिस्की तुम्हारा काम तमाम कर दे। मिस्की वहीं बोर्डो को देख बोलता है कि उसे पता है कि वो कितना स्ट्रांग है। जहां बोर्डो ने बहुत ही आसानी से कोर्ट को धूल चका दिया होता है, यहां मिस्की को ये भी लगता है कि कवाकी ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाता और इसीलिए मिस्की कवाकी को मरता नहीं देख सकता इवन इफ इट कॉस्ट हिज लाइफ। बोर्डो यही मिस्की के बातों को सुन उसे रुकने के लिए बोलता है क्योंकि ही इस वीकेंड द फाइटिंग इज मीनिंग लेस। मिस्की यहां बोलता है कवाकी को पीछे छोड़ने का मेरे पास और एक रीजन है एंड दैट इज मैं अब सीरियस होने वाला हूँ विद माई फुल स्ट्रेंथ। इतना बोलते ही मिस्की हमारा बोर्डो पे ऑल आउट अटैक करना शुरू कर देता है जिसे देख बोर्डो हमारा बोलता है क्या आपने सांपों के नंबर को बढ़ा देने से एनवायरमेंट खराब नहीं होगा, जिसके रिप्लाई में मिस्की बोलता है तो फिर जल्दी मर क्यों नहीं चाहते बोर्डो। यहां मिस्की के अटैक से बचने के बाद बोर्डो हमारा देखता है कि सेज मोड मिस्की इज यूजिंग शैडो क्लोन्स जुत्सु एंड दे आर अबाउट टू अटैक हिम। पर उसी वक्त बोर्डो अपना कटाना निकाल सारे क्लोन मिस्की को खत्म कर देता है। वहीं मिस्की बोर्डो को देख सोचता है व्हाट अनबिलीवेबल मूवमेंट यू मॉन्स्टर एंड आफ्टर दिस मिस्की यूज करता है लाइट रिलीज स्नेक लाइटनिंग। वहीं दूसरी तरफ से हमारा बोर्डो भी थंडर क्लैप एरो का यूज करता है जहां ये दोनों अटैक के टकराने के बाद एक एक्सप्लोजन होता है जिससे चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और इसी का फायदा उठा के बोर्डो हमारा अपने कटाना को मिस्की के गले के पास ले आता है। मिस्की वहीं इसे देख अपने सेज मोड को डीएक्टिवेट कर देता है और यही इस पॉइंट के बाद से बोर्डो हमारा मिस्की को बोलता है कि जो सन वो कवाकी में ढूंढ रहा है ही इज नॉट हिम क्योंकि उसका रियल सन कोई और नहीं पर बोर्डो खुद है और इसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता। यहाँ इसे सुनने के बाद मिस्की बोर्डो को एक स्नेक में लपेट देता है पर वो बोर्डो को कुछ नहीं करता क्योंकि मिस्की स्लोली एंड स्लोली बिलीविंग इन बोर्डो। पर उसका मन में अभी भी थोड़ा शक होता है कि वो क्यों कवाकी को मारना चाहता है। इसका जवाब देते हुए हमारा बोर्डो बोलता है कि वो कवाकी को मारना नहीं पर एक चीज को सेटल करना चाहता है एज ए प्रॉब्लम बिटवीन टू ब्रदर्स। मिस्की का शक यहाँ पे भी खत्म नहीं होता और वो बोर्डो को कंटिन्यू करते हुए पूछता है कि उसने लॉर्ड सेवन को क्यों मारा। इसके रिप्लाई में बोर्डो हमारा बोलता है लॉर्ड सेवन और उनकी वाइफ दोनों ही सेफ है। यहाँ बोर्डो के बातों को सुन मिस्की शिकामारु और इनो तीनों ही शॉक्ड दिखाई देते हैं और यही बोर्डो हमारा कंटिन्यू करते हुए बोलता है मिस्की तुम हमेशा से अपने आप शाइन कर सकते हो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग और मैं ये बिलीव करता हूँ पर अगर तुम्हें सन चाहिए नो मैटर व्हाट तब तुम आके मुझसे मिल सकते हो। यहाँ बोर्डो के इस बात को सुन मिस्की रिलीव्ड और कन्विंस्ड दिखाई देता है एंड आफ्टर दिस हम कवाकी को देखते हैं आयला और डेमन के पास जो अभी उठ चुका है। यहाँ कवाकी आयला से पूछता है वो बास्टर्ड मिस्की कहाँ है। वहीं दूसरी तरफ हम शिकामारु और बोर्डो के बीच एक डीप कन्वर्सेशन होता देख सकते हैं अबाउट ओमनीपोटेंस एंड नारुतो। यहाँ बोर्डो हमारा कहता है कि कवाकी ने उसके डैड को सील कर दिया है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट हिम और बोर्डो हमारा कवाकी को मारना नहीं पर उसे एक शॉक देना चाहता है जिससे वो दोनों ही फिर से भाइयों की तरह रह सके और इसके लिए हमारे बोर्डो को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे होकागे किलर और रॉक निंजा ही क्यों ना कहे। और इस चैप्टर के आखिरी कुछ पन्नों में हम जुरा को देखते हैं अपने नॉलेज को इंक्रीज करते हुए पर नो मैटर वो जितना भी पढ़े उसके अंदर का डाउट्स मल्टीप्लाई ही हो रहा है प्लस कोई भी बुक्स उसके डाउट को सॉल्व नहीं कर रहा। और यही आखिरी पैनल में हम जुरा को कहता देखते हैं सो क्या अब हम चल सकते हैं उज़ुमाकी नारुतो के पास।